सर आलिया का। स्पीकर मैं आपकी तवज्जो या मौलाना साहब आपकी तवज्जो इस हाउस की कार्रवाई जब स्टार्ट हुई है एक बहुत अहम चीज़ की जानिब दिलवाना चाहते हैं और वो ये थे कि आपकी मौजूदगी में आपके स्टाफ की मौजूदगी में एक एलियन एक अजनबी खातून इस हाउस में मौजूद हैं। सदफ यास्मीन को हमने टिकट दिया था और उनकी जगह के ऊपर सदफ एहसान जो है मुंतखब होकर आ गई हलफ लेकर वो भी फ्रॉड के साथ, क्योंकि सदफ यास्मीन ने अपने कागजात जमा नहीं करवाए थे और ये उस नाम का सहारा लेते हुए जो कि इनकी वालदा का है यास्मीन, ये फ्रॉड के साथ जो है आज यहाँ पे बैठी हैं। खैर हमने मामला इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट किया और अब उसके ऊपर जो है उन्होंने कार्रवाई करना शुरू की और उसकी इंक्वायरी करना शुरू की। पेशावर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दे दिया लेकिन कुछ देर के बाद हमारे खिलाफ फैसला कर दिया और जिसके नतीजे में आपने इस खातून को यहाँ पर हलफ दिया। मोहतरम आज सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है और ये बात मीडिया पे भी चल चुकी है और ये बात मोहतरम चेयर आपकी नॉलेज में भी है, इस हाउस की नॉलेज में है और ख़ुद उस खातून की नॉलेज में भी है। तो मैं चाहूँगी कि एक अजनबी खातून को इस हाउस में बैठने नहीं दिया जाए और क्योंकि ऑर्डर आने में कुछ टाइम लगता है तो एक एलियन का इधर यहाँ पर इसको देखें ज़रा, जितनी जल्दी उनको यहाँ पर ओद देने की गई थी इसी तरह से इस हाउस में से एक अजनबी खातून को बाहर निकाला जाए। जी जी एहसान सदफ साहब सदफ एहसान जी। जनाब स्पीकर साहब थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर मैं यहाँ पे जितने एमएनए साहिबान हैं जो रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं सर एज अ यंग फीमेल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान आप सब साहिबान को ये कहना चाहती हूँ कि हमारे वतन पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। बिकॉज वी आर हेयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, वी आर वर्कर्स ऑफ पाकिस्तान, वी आर हेयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, वी आर वर्कर्स ऑफ पाकिस्तान, आई एम हेयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ लकी मरवत, आई एम हेयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ लकी मरवत। मौलाना साहब ने खुद ये टिकट चले जी, पॉइंट ऑफ खुद मुझे आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट जी। गौर साहब बैरिस्टर गौर थैंक यू वेरी मच थैंक यू।